बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से यूपी में 30% सांसदों के टिकट कट सकते हैं। रीता बहुगुना, सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले, लल्लू सिंह, कौशल किशोर, रमापति राम त्रिपाठी, वरुण गांधी, राजेंद्र अग्रवाल, सत्यपाल सिंह, संतोष गंगवार, संगम लाल गुप्ता, मेनका गांधी पर भी संकट के बादल हैं। अजय मिश्र चेनी और हेमा मालिनी पर भी सस्पेंस इस समय बरकरार है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार बीजेपी अपने दम पर 370 सीटें जीतने का दावा कर रही है एनडीए 400 के साथ, और वहीं यूपी जो रास्ता है लोकसभा पहुंचने का, यहां पर इस समय जो चीजें निकलकर सामने आ रही है इसके बारे में और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। तो देखिए, बीजेपी का मंथन माइक लेवल कर पिछले काफी दिनों से लगा, हर एक लोकसभा सीट में जो मौजूदा सांसद है उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया गया, क्षेत्र के लोगों से और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई, उसी आधार पर एक एक सीट पर बारीकी से मंथन किया जा रहा है। आज भी सुबह से अलग अलग राज्य के जो भी पदाधिकारी हैं उन सबसे मीटिंगों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में भी एक एक सीट को लेकर मंथन किया जा रहा है। उसी के बाद सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, बड़े चेहरे जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट कटने के संकेत सूत्रों के द्वारा मिल रहे हैं और कई नए चेहरों को मौका भी को जीतना चाह रही है। उसके बाद जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से तमाम नाम सामने आए हैं, ऐसे में कुल हो सकता है कि इन लोगों के टिकट काटे जाए, नए चेहरों को सामने लेकर आए। अगर यूपी की 80 सीटें जीतनी है, यूपी जीता है तो पूरा देश जीत दिया जाता है, कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर पर। उसके अलावा अन्य राज्यों की बात की जाए तो वहां भी कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। मीटिंग कुछ ही देर में भी शुरू हो जाएगी और सुबह तक माना जा रहा है मार्च में जो पहली सूची है 100 या 120 उम्मीदवारों की, वो सूची सामने आ जाएगी। इसके अलावा पहली सूची में प्रधानमंत्री के साथ साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह, इन सब के नाम भी शामिल होंगे। लिहाजा तमाम लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई है। आज भी पूरे दिन बीजेपी मुख्यालय में तमाम ऐसे चेहरे देखने को मिले जो या तो टिकट मांगने की रेस में थे, या तो कई लोग ऐसे थे जो अपना टिकट बचाने की कवायद में लगे हुए थे। तो जद्दोजहद में तमाम ऐसे सांसद जो मौजूदा सांसद हैं उनकी जरूर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बहुत कम ऐसी चांस लगाए जा रहे हैं जो सूची है कि इसमें से उन लोगों को, जैसे मेनका गांधी का एक बड़ा नाम है, मेनका गांधी को लेकर संशय बना हुआ है, हेमा मालिनी को लेकर संशय बना हुआ है, अजय कुमार टैनी पिछले दिनों विवादों में रहे उनको लेकर संशय बना हुआ है। तो विवादों में रहने वाले नेताओं से इस बार बीजेपी दूर रहना चाहती है और एक माइक्रो लेवल की रणनीति के तहत इस मंथन को किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और रात भर तकरीबन 2 बजे के आसपास तक इन तमाम सीटों पर मंथन होगा। उत्तर प्रदेश में भी तमाम जो नेता हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम, यूपी सदन में तकरीबन 3 घंटे तक इसी चीज को लेकर मंथन करते रहे और फाइनल